normal form of the line, normal form of the line, ठीक है. कोई भी लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कैसा होता है वो अपने को देखना है, वो इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से. रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना इसका होता क्या है. बस जो इक्वेशन है वो समझ लो अच्छे से, है ना. यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स बाई कॉस अल्फा प्लस वाई बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी. ध्यान रखना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ, एक्स बाई साइन अल्फा इंटू में कितना वाई बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी. पहले इसको देख लो, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है. पहले ध्यान से देख लो, ठीक है भाई. तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस दे रखा है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है तो समझ जाना कि वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन की बात कर रहा है, ठीक है. जैसे मैं क्या करूं यहाँ पे, समझना, ये ओरिजिन दे रखा है, ये 0.0 है और ये लाइन दे रखा है यहाँ पे, है ना, ओरिजिन, ठीक है. और ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन से डिस्टेंस पी दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ध्यान रखना चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. अच्छा, अभी अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो सर इसको पढ़ेंगे कैसे. मेरे को बेसिकली ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है. ये लाइन का इक्वेशन नहीं चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है. तो ये कैसा फॉर्म है, ये ऐसा फॉर्म है कि ये लाइन का इक्वेशन चाहिए. ये फॉर्म इस तरह से है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज पी दे रखा हो, तो वो साफ साफ आपको चलेगा, है ना. वो साफ साफ कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, हूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज समथिंग दे रखा होगा. एंड उसके बाद वो जो भी मांगेगा उस तरह से देख लेना आपने, ठीक है. चलो फिलहाल तो मैं कह रहा हूं कि ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से अल्फा. ये नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा अल्फा, है ना. मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये लेंथ ले लेता हूँ ए. किसी को पता इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ द लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ऐसा वाला फोटो पड़ा है, yes, sir. किसी को ये ए, ये बी, लेकिन अपने को बस ए और बी पता कर रहे ना कि ए कितना रहा, बी कितना रहा. तो ये ए मान लिया और ये बी मान लिया. चलो देख के बताना, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये तो 90 होगा सर, ये 90 है तो सर ये भी 90 है ना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा. तो अगर ये 90 होगा तो सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, सही है क्या. देख लो भाई सर, अगर कहीं गड़बड़े तो पूछ लो आराम से, ठीक है क्या. चलो अब क्या करना है, सुनना जैसे मैं इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में क्या आपको नहीं लगता कि सर ये वाली अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये निकालना, ये कैसे निकालू कोई बताएगा. आपको डाटा दे रखा है, ये पी दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल लगाऊं बताओ, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं जल्दी. अच्छा मैं बस आपसे जो पूछना चाहता हूँ, ये 90 डिग्री है तो ये तो बेस होगा ना, बेस यस है ना, और ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका हाइपोटेनियस, ठीक है. तो चलो मैं बात करता हूं आपसे, तो परपेंडिकुलर, हाँ यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, ये परपेंडिकुलर और साथ में आपको हाइपोटेनियस को लेकर के कौन आता है, क्या मैं साइन को ले आऊं, साइन का नहीं मिलता, कॉस ले लो, कॉस अल्फा इक्वल टू बी वाई एच, बी वाई एच बेस कितना है बताओ, बेस तो पी हो गया, समझ में आ रहा है. आप ऐसा देख लो, ये ट्रायंगल ऐसा देख लो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भाई साहब, ये ट्रायंगल ऐसा देख लो, ठीक है. ये पे देखो, ये अल्फा है और ये बी है और ये ए है ए. चलो ऐसे फील करो आप, अब बोलो कितना कॉस, बोलो कॉस, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन कैसा, पी बाई ए, सही है. तो पी बाई क्या लिखूं, ए, तो बता सकते हो ए कितना आ गया, ए ए बताओ, चलो पी बाई कॉस अल्फा, सर पी बाई कॉस, सही है ना ये चीज, यस. चलो तो मेरे को बता सकता है कोई साइन के बारे में कितना लिखूं, साइन का, अब साइन निकालना है, साइन इधर से बी का रिलेशन चाहिए, बी का रिलेशन, तो देखना अच्छे से, ये 90 डिग्री है, है ना, ये 90 डिग्री है. अच्छा ये कितने लोग बता सकते हैं कि ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये तो 90 होगा, दिख रहा है किसी को, yes, तो अगर ये 90 है कंप्लीट तो ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, सही है. अच्छा अब ये आपको एंगल पता चल गया और ये आपको क्या है, बेस पता है और ये इसका परपेंडिकुलर, देख लो अच्छे से. चलो जल्दी बताओ क्या लिखूं, कॉस लगा दूं, कॉस, सही है ना, तो मैं लिख रहा हूं कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है. तो बेस कितना भाई, पी, और यहां क्या लिखोगे, बी. तो साफ साफ पता चल गया क्या सर, यहां से साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, पी बाई बी, और बी आ गया आपके पास पी बाई साइन अल्फा, सही है क्या. और इसको आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो पी इक्वल टू यहां से लिख लो बी साइन अल्फा, ठीक है भाई. चलो लिखो जल्दी से इसको यहां तक, है ना, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करा है,
मैं बी का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, सॉरी बी का वैल्यू निकालो यहाँ से, पी बाई साइन अल्फा आ गया भाई, ठीक है क्या? ए और बी का वैल्यू आ गया दोनों में, कहाँ पुट कर दूँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ यहाँ पुट करूँ क्या? क्या आएगा? हाँ जल्दी बताओ क्या आएगा, इक्वेशन बताओ, चलो एक्स बाई ए की जगह बोलो, ए की जगह पी बाई कॉस अल्फा, समझ में आ रहा है बात? ए की जगह क्या बोलेंगे? पी बाई कॉस अल्फा, हाँ ये आ गया पी बाई कॉस अल्फा। अच्छा कॉस अल्फा नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, मैंने सही लिखा गलत लिखा सोच के बताना, सही सही है। अगला बोलो वाई इंटू कितना आ जाएगा भाई, साइन अल्फा डिवाइड बाई कितना, पी इजिकल टू वन, मैंने सही लिखा है। अब कितने को पता चल गया, पी से रखते उधर भाग जाएगा, एक्स कॉस अल्फा है ना प्लस वाई साइन अल्फा इजिकल टू पी है ना, ये ना आ गया बस, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, चलो ये डिराइव होकर आ गया। तो फाइनली क्या है, डेरिवेशन याद नहीं रखना बेकार का चीज है, बस अपने को क्या याद रखना वो फाइनली बता देता हूँ, सुनना अच्छे से। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट को समझ लो, मैंने दिखा दिया ये चीजें आती कैसी है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में यानी इस तरह के क्वेश्चन में कैसे बनाना है, इसके क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो इंपॉर्टेंट होगा, समझना अच्छे से। क्या डील करना इंपॉर्टेंट है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, क्या है सुनना अच्छे से। एक्स कॉस अल्फा आपके सामने आया, वाई साइन अल्फा आपके सामने आया, इजिकल टू पी आ गया, ध्यान रखना अच्छे से एक चीजों को, पहला पॉइंट आ गया सुनना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पी क्या है, पी है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से सर, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन कहां से किससे, फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, टू द लाइन, लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, अब सर अल्फा क्या है, अल्फा किसका एंगल था, लाइन का एंगल था या नॉर्मल का एंगल था, नॉर्मल का एंगल था। फोटो देखें, फोटो ऐसा फोटो था, ऐसा ये देखो फोटो, ये अल्फा है, अल्फा दिखा सही है क्या, हाँ। तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, अल्फा है ना, इसमें लिखेंगे इट इज एंगल है ना, इट इज एंगल है ना ऑफ नॉर्मल, ऑफ नॉर्मल मेड बाय है ना, मेड इट इज एंगल मेड बाय नॉर्मल है ना, मेड बाय नॉर्मल कहां से सर, फ्रॉम है ना एक्स एक्सिस, बहुत ही बढ़िया, इन एंटी क्लॉकवाइज ACW है ना, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एट ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। अच्छा जो सबसे है ना खतरनाक बात जो पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जल्दी से बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बाई है ना देखना अच्छे से पी बाई कॉस अल्फा प्लस में वाई बाई पी बाई साइन अल्फा है ना इजिकल टू वन, ये सही है गलत सोच के बताओ, क्या ये सही लिखा हुआ है? यस सर, ठीक है। अगर मैंने इसको सही लिखा है तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये जो लाइन का इक्वेशन है, तो बताना क्या ये वाला पार्टी ए है क्या और ये वाला पार्टी बी है क्या? यस सर, अरे हाँ सही तो बोल रहा हूँ, ये पूरा ए था और ये पूरा बी था, मैंने सही लिखा है? Yes. तो मेरे को बताना जल्दी एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा वो बताओ भाई, हाफ पी स्क्वायर बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा, कितना आएगा एरिया इसमें, चलो तो मैं इससे बनने वाला ट्रायंगल ये बता देता हूँ, ए है और ये आपका बी है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका मैं एरिया लिख रहा हूँ आपके सामने, एरिया कितना आ गया, हाफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है भाई, हाइट है ना, हाफ बेस, बेस तो ए रहा और हाइट कितना रहा, बी रहा बी, तो बताएगा यहाँ पे कितना रहा है, हाफ इनटू में बेस की जगह पे क्या लिख दूँ, जल्दी बताओ देख करके, बेस की जगह पे ए, ए के नाम पे पी बाई कॉस अल्फा इनटू में कितना भाई, पी बाई साइन अल्फा, कितने लोग देख के बता सकते हैं कि ये आ गया पूरा पूरा लिख रहा हूँ ऊपर पी स्क्वायर, कोई नीचे फॉर्मूला दिख रहा है किसी को ये वाला, अरे साइन टू अल्फा नहीं आया समझ में, टू कॉस अल्फा इन टू साइन अल्फा, भवाद कितना था भाई, साइन टू अल्फा, अच्छा फाइनली क्या लिखूं, कॉसेक टू अल्फा चलेगा। तो ये आपका एरिया आ गया भाई साहब, नॉर्मल फॉर्म का एरिया आ गया जो क्वाड्रेंट एक्सिस के साथ बनाता है, ये एरिया किसके साथ में है ना, एरिया मेड बाय द लाइन, ठीक है, किसके साथ में है ना, मेड बाय द लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर से बता देता हूँ, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, एक्स के साथ कॉस अल्फा, वाई के साथ साइन अल्फा इक्वल टू पी, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, और जो कि यही हिंट होगा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन के लिए, ये हिंट होता है। तीसरी बात, अल्फा क्या है सर इसका, अल्फा एंगल है किसका सर, नॉर्मल का, कहां से, ओरिजिन से, एक्स एक्स सॉरी कहां से, एक्स एक्सिस के साथ में एट ओरिजिन,
कि ओरिजिन से पे कितना एंगल बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये तीन बातें हैं। चौथा बात क्या सर, एरिया क्या होता है, पी स्क्वायर कॉसेक टू अल्फा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लिखे इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लो। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देता हूं मैं फटाक से, देखता हूं कौन बनाता है, जल्दी से, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। चलिए देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं देख देता हूं फटाफट करके, ठीक है। लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द लाइन, इफ द नॉर्मल ऑफ द लाइन, the normal of the line makes an angle 30 degree, चलो 30 नहीं लेता, 60 degree ले लेता हूं, 60 degree at origin, ठीक है, at origin, अच्छा इसने ये नहीं बोला कि origin किस direction में, अब मान के चलो ACW है, ठीक है, and making area of triangle, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 50√3, ठीक है, 50√3 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। चलिए भाई बताइए क्या आएगा, कोशिश करें, लिखवा दिया मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द नॉर्मल ऑफ द लाइन मेक्स एन एंगल 60° एट ओरिजिन एसी, है ना, ACW, एंड मेकिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 50√3 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताएं। तो सबसे पहली बात सुनना, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो चलो इसका फोटो कैसे समझेंगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, क्या करना है इसमें कि सर एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे खींच लिया है, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसने बोल दिया कि बस एक वर्ड दिया इसने मेरे को, नॉर्मल, नॉर्मल भी कह सकता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकता है, वो दोनों कह सकता है। तो मैंने क्या देखा कि नॉर्मल कहां से बना रहा सर, मेक्स एन एंगल 60° एट ओरिजिन, तो मैंने बोला ये लो भाई यहां ले लो, ये 60° है, ये 60°, फिर उसने साथ में आगे चल के बोला मेक्स एन एरिया, एरिया कितना 50√3 किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, इसका एरिया कितना देखा है 50√3। तो अभी अभी हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है किसी को, बोलो कितना आया था, बताओ, पी स्क्वायर कॉसेक टू अल्फा चलेगा, कॉसेक टू अल्फा, अच्छा ये एंगल मैं 60 नहीं करता, 30 कर लेता हूँ आपके सुविधा के लिए, सुविधा के लिए ये 30 है भाई, चलेगा 30 है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ एरिया कितना देखा है, एरिया दे रखा है क्या, हाँ दे रखा ना एरिया, एरिया 50√3 दे रखा है भाई, 50√3, और इधर कितना आ गया, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने दिया, कॉसेक की जगह पे कॉसेक 60° लिखना सही होगा या 30°, जल्दी से देखो भाई, क्योंकि अल्फा 30 दे रखा है, 30 तो 30 दोना कितना हो गया 60, अब जल्दी सोच के बताओ कितना आएगा इसका आंसर, बताओ कॉसेक 60° कितना होता है, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, नहीं सर आज नहीं बोलेंगे, वो क्या रहे बताओ, कोई बताएगा, कोई जाग रहा है, अरे कॉसेक 60° टू बाई रूट थ्री ना, ये √3/2 यस सर, चलो 2/√3, तो ये 50√3 आ गया, 2/√3 और इधर पी स्क्वायर इनटू में इधर कितना आ गया भाई साहब, 2/√3 लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, 2/√3 चलेगा चलेगा सर, ठीक है, और 2/√3 को इधर इधर भेज रहा हूं, तो ये 25 बार में गया, 25 बार में चलेगा, और ये 3 × 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू दे रहा हूं 3 × 25, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 75 दिख गया। अब मेरे को पी का वैल्यू चाहिए, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25√3 चलेगा, और वही प्लस माइनस, लेकिन मैं प्लस लूंगा, प्लस क्यों लूंगा आपको बता सकता है, क्योंकि P जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा सर, सही है, ये चीजें खत्म हो गई भाई। अब सीधे इक्वेशन ऑफ लाइन पे आता, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, कैसे पता चला सर ये नॉर्मल फॉर्म, मैंने बोला तो देखिए डिस्टेंस आ गया, ये एंगल दे रखा, अब कैसे लिखो, इक्वेशन क्या था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू कितना सर, पी, बता अल्फा कितना दे रखा है सर, अल्फा 30° है, रुको से एक्स की जगह पे कॉस 30 प्लस वाई की जगह यहाँ साइन 30 और इधर आ गया इक्वल टू पी की जगह पे कितना 5√3, यहाँ पे पता चल गया आपका 30 की जगह पे √3/2, ठीक है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 50√3 सॉरी 5√3,
तो ये आ गया रूट थ्री एक्स प्लस ऑफ वाई इजिकल टू कितना टेन रूट थ्री. दिस इज योर स्ट्रेट लाइन है ना विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पांच रूट थ्री और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बना रहा है वो पचास रूट थ्री. तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कॉपी करो. कहीं कोई डाउट है? चलो भाई आगे देखते हैं. ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन हो, लाइन हो गया भाई. चलो और आगे बात करते हैं. तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया. अब थोड़ा स्टार लगा के फटाफट बातें कर लेते हैं कुछ कुछ और. देखो चलो ध्यान से है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन दो बातें यहाँ पे समझदार. इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू, विच इज पैरेलल टू द लाइन. कौन सा लाइन सर? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है जो कि पैरेलल है इसके. तो कुछ नहीं करना, अगर पैरेलल की बात करेगा ना तो दो लाइन तो फटाक से छाप देना भाई सर जो दे रखा है. तो क्या लिखो? इज ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस में लिख देना लैम्डा इक्वल टू जीरो. लैम्डा क्या होगा? वो एक्स्ट्रा कंडीशन देगा. फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी लाइन का इक्वेशन चाहिए किसी भी लाइन के पैरेलल, पैरेलल की बात करते तो आगे का दो टर्म एक्स और वाई वाला छाप देना है, प्लस सी की जगह पे लैम्डा लिख देना और लैम्डा निकालेंगे हम लोग एक्स्ट्रा कंडीशन से देख करके. ठीक है, फॉर लैम्डा यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार लगा करके. फॉर लैम्डा है ना एनी कंडीशन, एनी एक्स्ट्रा कंडीशन विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा भाई साहब, ध्यान रखना चाहिए. अगला बात कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो. सुनना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूं. अब क्या है कि वो लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस पे परपेंडिकुलर हो. पैरेलल में तो कुछ समझ में आ जाता सकती, पहले का दो लाइन छाप देना अपने को और लास्ट में लैम्डा लिख देना. लेकिन यहाँ पे फंस जाओगे क्या कि सर इस इक्वेशन में क्या होगा कि परपेंडिकुलर ढूंढना जा रहा है. पहले सुन लो मेरी बात, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है इस यहाँ पे लिख रहा हूं कि यहाँ पे एक्स और वाई का कोफिशियंट आपस में इंटरचेंज करो. कोफिशियंट बोला है, विद साइन नहीं बोल रहा हूँ, कोफिशियंट इंटरचेंज करो और बाद में वाई के कोफिशियंट को माइनस दे दो. तो क्या बोला मैंने सुनना, तो ये बी यहाँ आएगा और ए यहाँ जाएगा. तो क्या लिखूंगा सुनना, इस क्या लिखूं, ए के जगह पे बी एक्स आ गया और बी के जगह पे ए वाई आ गया और प्लस का लैम्डा इक्वल टू जीरो लिख के छोड़ देना. और बीच में क्या भरू सर, मैंने देखा यहाँ प्लस है तो मैं माइनस का कोफिशियंट दूंगा. अब सर बताओ माइनस होता तो प्लस कर देता. कोफिशियंट सिर्फ और सिर्फ साइन, यहां बता रहा हूं, कोफिशियंट चेंज करेंगे विदाउट साइन. माइनस साइन से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? वाई के जगह पे. देखो यहाँ प्लस था तो ये माइनस आ गया. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ फटाफट और फिर वही बात आती है, लैम्डा कहां से निकालूंगा? फिर भी मार्क क्या लिख देता हूँ, फॉर लैम्डा एनी एक्स्ट्रा कंडीशन है ना, एक्स्ट्रा कंडीशन विल बी प्रोवाइडेड सर यहाँ. हाँ बोलो, पूछो कहाँ पे डाउट आ रहा है सर, कहाँ पे डाउट आ रहा है सर? यहाँ पे कोफिशिएंट्स को चेंज करके बीच में डिफरेंट साइड बैठाना है, जो सेकंड वाला परपेंडिकुलर वाला बोलो. देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो. देखो मैंने क्या बोला समझ लो, मैंने ये बोला ना कि इसका कोफिशिएंट चेंज करो विदाउट साइन, साइन साथ में नहीं लेके जाना भाई, विदाउट साइन. और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या दे देना, माइनस से मल्टीप्लाई करना. एग्जाम्पल लेते ना, सीधा दर्दी खत्म कर दे. पहले लिख लो ठीक है, बढ़ते आगे. देखो इसको प्रदीप इसका बात खत्म. देखो भाई समझता अच्छे से क्या है क्वेश्चन. देखो पहले दो क्वेश्चन लिखवा लेता हूँ. देखो मैं चाहता हूँ कि 3x प्लस 4y प्लस 5 के अबाउट परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन बताओ भाई क्या लिखूं. बोलो आंसर, बोलो पैसे क्या करो. सुनना, चार यहाँ आएगा 4X. और तीन यहाँ जाएगा. तो पहले लिख लेता हूँ 4x और यहाँ पे कितना 3y प्लस का लैम्डा इक्वल टू जीरो. लैम्डा नहीं पता ना कहाँ से आएगा, वो तो एक्स्ट्रा कंडीशन देना चाहिए. तो अब बताना जल्दी से, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस. लिखा
अगला क्वेश्चन मैं है ना यहाँ पे दे रहा हूँ, 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन कौन बताएगा क्या करूं? 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ जाएगा, बोलो भाई क्या लिखोगे? 3x यहाँ पे 2y प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0, अब बताइए माइनस पे क्या लगा दूं? प्लस, पर सही है नहीं है? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तुम बताओ राजा बाबू की तरह। चलो बताओ बताओ बताओ, बोलो भाई। इतना आएगा, कोई बताएगा इसका आंसर क्या रहे? माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। चलो बहुत ही बढ़िया, देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे वन है, वन कोफिशिएंट वन है, तो वन यहाँ पे आ गया, ये तीन यहाँ चला गया, तो ये आ गया वन माइनस इनटू में कितना, वन इनटू में एक्स, और ये कितना लिखेंगे सर, है ना, तीन इनटू में वाई प्लस ऑफ लैम्डा इक्वल टू जीरो, और क्या करो यहाँ पे माइनस तो क्या लगा दू, प्लस, दिस इज योर आंसर। कभी करो तो परपेंडिकुलर लाइंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस ऑफ 4y, है ना, 3x ऑफ माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ कितना लिख दो भाई कि काम बन जाए अपना, चलो है ना 12 ले लेते हैं, 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, एंड मेकिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना लिख दूं, 144, ठीक है, 144 स्क्वायर, ठीक है चलेगा, है ना, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, छोटू क्वेश्चन बट जल्दी से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए भाई साहब, ये नहीं कि परेशान हो, पैरेलल का देखा तो आसान है लेकिन परपेंडिकुलर में थोड़ा सा कष्ट होता है, क्या कष्ट होता है, बस साइन का कन्वेंशन चेंज करना पड़ता है वहां पे, लेकिन कोएफिशिएंट का साइन नहीं चेंज करना है। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बता सकता है वो इक्वेशन ऑफ लाइन बताएं जो परपेंडिकुलर है इस पे, कौन बताएगा जल्दी बोलो आंसर में? माइनस फोर एक्स क्या बोल रहा है माइनस फोर एक्स भाई साहब, कोएफिशिएंट चेंज करते थे विदाउट साइन, यस हां 4x और यहाँ पे माइनस क्या बनेगा, प्लस 3y और प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0, ये आंसर है आपका, लेकिन सर लैम्डा कहाँ से लाऊं? अब देखो लैम्डा निकालने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन दिया, मेकिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल 144 स्क्वायर यूनिट, है ना, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए तो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल एरिया भी बना रहा है, सुनना, मतलब ये लाइन जो है ये वाला लाइन है, ये लाइन, ठीक है, यही वो लाइन है जो ट्रायंगल बना रहा है जिसका एरिया 144 दे रखा है। तो किसी को पता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो क्या इसको इंटरसेप्टर में बदल दूं? देखना अच्छे से, जो लिख रहा हूँ एक्स बाय लिख रहा हूँ, पहले समझ लो अच्छे से, मैंने लिख दिया इसको कितना, आराम से इसमें बात कर लेते हैं पहले क्या लिखा जाए। हाँ चलो देखो अच्छे से, देखो मैंने लिखा एक्स बाय माइनस ऑफ लैम्डा बाय 4 प्लस वाई बाय माइनस ऑफ लैम्डा बाय 3 इज इक्वल टू 1, चेक करना मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी से बताओ। अरे लैम्डा उधर लेके गया माइनस में और फिर नीचे ले आया, ये तो सही है। अच्छा ये क्या होता है, ये ए होता है क्या, पता चला क्या, और ये बी होता है क्या? हाँ ये ए है और ये बी है, सही तो है सर। चलो एरिया बोलो, इधर लिख रहा हूँ, कितना आएगा एरिया, यही पे लिख रहा हूँ, एरिया आ जाता है हाफ बेस इंटू में हाइट, है ना, बेस कितना है ए है और हाइट कितना है ए बी है, तो एरिया कितना देखा 144, और यहाँ पे क्या लिखो भाई, हाफ इंटू बेस की जगह पे कितना आ गया माइनस लैम्डा बाई ए, चलो फिर से सुनना, लेंथ की बात पॉजिटिव होगी, अब यहाँ पे क्या लिखे इनटू में कितना भाई साहब माइनस ऑफ लैम्डा बाय 3, यानी ये भी मॉड में आएगा, ये भी मॉड में आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये 144 इज इक्वल टू कितना लैम्डा स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया भाई साहब, ये 4 है 4, ठीक है, तो ये आ गया
14 है ना, 12 और दोनों 24 चलेगा। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गया, 144 × 24। जल्दी से देख लो भाई क्या लैम्डा का वैल्यू यहां से आ जाएगा क्या। हाँ आ तो गया, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ लैम्डा का वैल्यू है प्लस माइनस देख रहा हूँ, 144 का 12 और 24 का रूट कितना देगा 4 है ना, 4 नहीं लेता, ये लेते हो 2 × 4 √√6। तो ये आ गया आपका कितना लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 24 √6। ये आ गया, अब इस लैम्डा को कहाँ पुट करना है, इस लैम्डा को यहाँ भर देना, वो लाइन का इक्वेशन आ गया। डाउट है किसी तरह का, सही है? चलो भाई इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे उसको लिखना है, ठीक है भाई। आइए बात करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब दो तीन बातें जो है इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी से उसको खत्म करते हैं, है ना। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ई एक्स वन वाई वन फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये सभी को आते हैं। कौन बताएगा किसी भी, अच्छा ये डिस्टेंस नहीं होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, चलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। सब तो फॉर्मूला सभी को याद होगा, ठीक है भाई, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट को ही परपेंडिकुलर कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लो इस लाइन पे डिस्टेंस निकालना है तो इसपे बहुत सारे पॉइंट है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो जो सबसे छोटा है ना बस यही डिस्टेंस माना गया है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर भी कहें या फिर शॉर्टेस्ट कहें, ठीक है। तो क्या होता है डिस्टेंस, इसको पी मान लो, ये पी है तो ये डिस्टेंस डी है भाई, कभी डी याद आ गया किसी को बोलो, पहले पुट कर देते थे पॉइंट इसमें, रखो ए एक्स वन डी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय क्या, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है क्या? यस सर, यही फॉर्मूला होता है। चलो ये आपको याद है, दूसरा लाइन है ना, क्या दूसरा पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल यानी दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, बहुत ही बढ़िया। आइए सर बात करते हैं, ये देखिए साहब ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं दोनों पैरेलल लाइन है वो तो दिखा लो सर, है ना। दो लाइन पैरेलल कौन कौन से हैं, ए एक्स वन है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ क्या लिखोगे सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। देखो यहाँ तक की बात करोगे तो दोनों सेम होगा, बस कॉन्स्टेंट अलग अलग, ठीक है, स्लोप भी सेम है। तो क्या डिस्टेंस क्या होता है सर, इन दोनों के बीच का दूरी ये होता है भाई सर, इन दोनों दूर है ना बीच की दूरी डी, तो इसका डी क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सी टू माइनस ऑफ सी वन डिवाइड बाई क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन भाई, इनके कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम। इसमें क्या होता है, दोनों पॉइंट पुट कर दो है ना, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना। कई बार क्या होगा ना कि दोनों पैरेलल लाइन नहीं होगा, पैरेलल करके सॉल्व करना है। अभी देखते हो दो तीन क्वेश्चन जल्दी से लिखो इसको, जल्दी जल्दी से है ना, ताकि अपने को काम जल्दी से निकल जाए, इसका चैप्टर का बात ही खत्म कर दे आज। आइए साहब एक क्वेश्चन फटाफट करके, चलो इसका आंसर निकालो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है क्या, 2x प्लस ऑफ 5y प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0, इधर दे रहा हूं ना, क्या दे दो भाई साहब की काम बन जाए आपका। चलिए 6x प्लस ऑफ 15y प्लस ऑफ 18 इज इक्वल टू 0, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बिटवीन द, अब ये नहीं बोलेगा भाई साहब उछल के ये पैरेलल लाइन है, वो आपको देखना है कि पैरेलल है या क्या है, बस ये बोला और भाग जाएगा, वो बोलेगा फाइंड करो इन दोनों के बीच का दूरी, और कौन सा दूरी शॉर्टेस्ट, फिर से बता दे रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा जाता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। क्या आपको दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है क्या? यस सर, 3 से डिवाइड करेंगे नीचे वाला था, बहुत ही बढ़िया, 3 से डिवाइड निकाल करके बाहर कर दूंगा, ये लिखूंगा मैं 2x प्लस अब 5y प्लस अब 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन संख्या 2 और ये इक्वेशन संख्या 1। क्या करना भाई, डी का फॉर्मूला सभी को आता है, बोलो भाई लोग जल्दी से, सी टू माइनस सी वन, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सी टू ले लो सर, आपकी मर्जी जो करना कर लो, क्योंकि मॉड में है प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा वो, तो ये मॉड ले लेता हूँ, सी टू माइनस सी वन, 12 में से 6 गया और नीचे अंडर रूट को बताएगा भाई साहब बड़े प्यार से इसका आंसर,
दो का स्क्वायर प्लस अब कितना पांच का स्क्वायर, ए बी दोनों सेम है, तो फाइनल डी कितना आ गया भाई साहब, ऊपर से आ रहा है छह और नीचे से कितना गया अंडर रूट में 25 और 4 29, दिस इज योर आंसर। ठीक है यस सर। चलो एक क्वेश्चन इसका भी बताओ दो जल्दी जल्दी। देखिए आप इसको, चलो रन के लिए क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आएगा, देखो जरा कौन बताता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन, एक्स थीटा वाई कॉस थीटा है ना, इज इक्वल टू पी फ्रॉम ऑरिजिन। चलो भाई इसका आंसर आप बताओ जल्दी से, इस लाइन का दूरी कहां से ओरिजिन से, देखो जरा कौन बता दे। किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से दूरी का फॉर्मूला लगाएं और जल्दी बताएं कितना है। बन गया क्या, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। बना कितना आंसर आया किसी ने निकाला भाई, अरे इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा भी छोड़ के चलोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा सॉल्व कर पाओ तो भी बेस्ट है हमारे लिए। एक नया क्वेश्चन है ना, पी एंड पी डैश आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम 0,0 ठीक है टू द स्ट्रेट लाइन्स कौन कौन सा लाइन है सर, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू ए एंड एंड एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए कॉस टू थीटा ठीक है। देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड फोर पी स्क्वायर प्लस पी डैश का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा बताना आपको, पी डैश का स्क्वायर है ये, पी डैश का स्क्वायर। चलिए बताइए भाई कितना रहे, बना वो क्वेश्चन या नहीं बना, नहीं बना तो टेंशन नहीं लेना भाई साहब। बना किसी ने आंसर निकाला, चलो कोई बात नहीं, नहीं बना इट्स ओके, बात करते हैं आओ चलो ध्यान दो। अरे इसमें करना क्या था, डिस्टेंस निकालना था इस लाइन का, कहां से ओरिजिन से, रख दो इसको माइनस पी इज इक्वल टू जीरो कर लो भाई साहब ठीक है, क्या करूंगा डिस्टेंस में तो डी इज इक्वल टू क्या आता है, चलो ये लाइन में ओरिजिन भरना चालू करो, तो ये जीरो वो बचा पी, पी बच गया भाई, अंडर रूट क्या लिखो जल्दी बताओ, अंडर रूट बच गया सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता, इसको बस एज इट इज लिख के बैठे रहे आप ठीक है, ये लिख दिया मैंने। आगे सुनो, इसको लिखने के बाद में ये फॉर्मूला आ गया, अब इसके ऊपर आता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर ठीक है, जो जबरदस्त है ना इसमें कन्वर्जन है। देखो दोनों क्वेश्चन को सुनो, इसने ये बोला ना कि पी जो है और पी डैश है ये दोनों परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से, कौन से कहां से सर, इस लाइन से, यानी मैं इसको ऐसे लिखूंगा पहला लाइन इधर खींच रहा हूँ दूसरा लाइन इधर खींच रहा हूँ, देखो अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना, एक लाइन ये ले लिया कौन सा लाइन है दिखा रहा हूं मैं आपको, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू कितना आ गया ए, और इसका दूरी कहां से सर ओरिजिन से कितना दे रखा है पी दे रखा है सर पी, हम लोग डी मानते थे लेकिन आज पी दे रखा है, तो पी इक्वल टू फॉर्मूला बताना सर कितना आएगा, कुछ नहीं सर जीरो जीरो रखोगे तो जीरो ही देगा ना, लेकिन ये ए आ जाएगा माइनस ए करके जीरो कर दे रहा हूं आ गया, तो ये ए आ गया, और अंडर रूट में क्या लिखूंगा सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया पी चलेगा सर। अब इधर मैं लिख रहा हूं ये दूसरा लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कितना दे रखा है एक्स कॉस थीटा माइनस ऑफ वाई साइन थीटा माइनस ऑफ ए कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, और इसका भी दूरी कहां से ओरिजिन से कितना दे रखा है सर इसका दूरी यहां से दूरी दे रखा है पी डैश, तो पी डैश कितना आएगा सर पी डैश आ गया मॉडुलस जीरो जीरो, और ये कितना आ गया ए कॉस टू थीटा डिवाइड बाय क्या अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये वन होता है जिससे तो मैं लगता नहीं याद करो किसी को सवाल है तो पूछो आराम से ठीक है। चलो अब आगे बात करता हूं लिखना बोर्ड पे, मैंने क्या देखा कि सर यहाँ पे पी है और ये पूरा लफड़ा दे रखा है, तो मैंने क्या देखा पी में सर स्क्वायर कर रखा है, जैसे पी में स्क्वायर देखा मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, तो पी स्क्वायर पे देखा तो ये मिल गया ए स्क्वायर और नीचे इनका ढक्कन उड़ गया भाई, क्या मिला सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ठीक है क्या। अब अगर ये मिल गया कॉस है ना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ठीक है, और अगर मैं पी डैश का स्क्वायर कर दूं तो पी डैश का स्क्वायर क्या गया यहाँ से ये तो सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इसको क्या करूं फोर टाइम से मल्टीप्लाई, क्यों सर फोर से क्यों, क्योंकि सर यहाँ फोर दे रखा है, तो मैंने क्या करा फोर से मल्टीप्लाई करा फोर पी स्क्वायर ऊपर आ गया फोर ए स्क्वायर और नीचे क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा है ना प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब दोनों को क्या करा सर जोड़ देना है, जोड़ देना आ जाओ बाजू में आते इधर जोड़ना चालू करते जोड़ रहा हूं सर ऊपर लिख दे रहा हूँ फोर पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी डैश का स्क्वायर ठीक है, ये भी आ गया अब जोड़ रहा हूं मैं, तो यह आ गया कितना भाई साहब यहाँ से ये पूरा पूरा लिख रहा हूँ फोर ए स्क्वायर डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कितना ऊपर में ऊपर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा। चलो जल्दी से लिख लो इसको भाई, अब इसको बताओ कितना आएगा जोड़ने पे कुछ बचेगा क्या, कोई बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कोई एक जना बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा सबको आता है, कोई एक बच्चा अगर कोई जाग रहा हो तो, या सारे गायब हो गए, वंश बताओ इसका कितना आ रहा है आंसर, सर स्क्रीन पूरा ब्लर हो गया वो ले नहीं रहा, बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है सर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। अच्छा अच्छा बाकियों के नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है क्या उधर, चलो कोई बात नहीं इट्स ओके ध्यान दो इधर। चलो मैंने क्या लिखा सुनना अच्छे से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा सुनना फोर होता है फोर, और इसको मैं लिख रहा हूँ सेक को लिख सकता हूँ, सुनना अच्छे से क्या लिख रहा हूँ वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखा वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, कोई दर्द नहीं है भाई साहब यहाँ तक ठीक है, और प्लस में कितना लिख रहा हूँ यहाँ देखो अच्छे से प्लस में क्या लिख रहा हूँ प्लस में लिखा कॉस स्क्वायर टू थीटा यहाँ तक सही है। अब मैं जो लिखना चाह रहा हूँ सुनना अच्छे से, अगला जो स्टेप है अगला स्टेप क्या है ए स्क्वायर तो बाहरी रहा इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो इधर आ गया साइन स्क्वायर इधर आ गया कॉस स्क्वायर और ऊपर चला गया फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा और इधर क्या आ गया कॉस स्क्वायर टू थीटा, ये भी चलेगा सर। अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो अगला स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे सुनना अच्छे से, अगला स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, अगला स्टेप क्या है सुनो ये आ गया आपका ए स्क्वायर और ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको ये वन आ गया वन ठीक है, और ऊपर क्या बचा फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सुनना अच्छे से की बात को, ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर टू थीटा चलेगा सर, साइन स्क्वायर टू थीटा बिल्कुल चलेगा सही है, और प्लस में क्या लिखूं सर कॉस स्क्वायर टू थीटा, अरे ये तो वही है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना वन यानी ए स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी ए स्क्वायर आ रही थी बेहतर देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइंस का परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको ठीक है। आइए साहब अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ा देते हैं फटाफट करके ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट ना पोजीशन ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा है ना एक्स वन कॉमा वाई वन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी
ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अपने को इस पॉइंट का पोजीशन बताना है, ऊपर है नीचे है कहाँ है ये पता करना है। ठीक है, तो फोटो दो ही तरह का हो सकता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट इधर होगा या तो इधर होगा, हाँ या इस लाइन के ऊपर ही ऊपर होगा, या तो इधर ही होगा या तो इस लाइन पे ही होगा, तीन कंडीशन हो सकता है। ठीक है, सुनना, तो कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, सीधा सीधा याद करा दे रहा हूँ, इफ पहला केस लिख रहा हूँ, इफ क्या लिखा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये पॉइंट है पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीनों कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैंने लाइन में भर दिया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये वाई वन एक्स वन कहां से आया, अरे भाई चलो ये पॉइंट आ रहा है, इसको रख दिया, रखने के बाद नीचे लिख रहा हूँ बी, अगर पॉजिटिव आ जाए, ध्यान दे लो अच्छे से, कि इफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई बी अगर पॉजिटिव आ जाए, देन देन करके लिख देना सीधा सीधा, देन पॉइंट पी एक्स वन वाई वन लाइज आउटसाइड द लाइन, लाइज आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड द गिवन लाइन। ठीक है क्या, चलो दूसरा केस, केस नंबर टू क्या होगा, इफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी है ना डिवाइड बाई क्या लिख दू बी लेस देन जीरो आ जाए, तो देन यहीं पे अपने को कह देना है, देन लाइन है ना, देन पॉइंट पी एक्स वन वाई वन लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड द गिवन लाइन, दोनों में आउटसाइड सर, क्या हो गया, ऊपर भी आउटसाइड नीचे भी आउटसाइड, मैंने गड़बड़ लिख दिया क्या, अच्छा सॉरी इनसाइड, सॉरी सॉरी लाइज इनसाइड, ठीक है लाइज इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या है, अच्छा इनसाइड क्या होता है, अंदर में होता है, इसको और अच्छे से कर देता हूं मैं, इसको और आउटसाइड को अच्छे से करेक्ट कर देता हूं, अबव अबव द स्ट्रेट लाइन, अबव द गिवन लाइन, ठीक है अबव द गिवन लाइन, यहां पे क्या होगा लाइज बिलो द गिवन लाइन, बिलो द गिवन लाइन, बहुत ही बढ़िया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अच्छे से, अगर ये पॉजिटिव आया इस तरह का केस रखने पे तो अबव द लाइन होगा, इस तरह का केस आया तो बिलो द लाइन होगा, ये अबव पॉइंट है ये बिलो पॉइंट है। लास्ट केस क्या होता है सर, केस नंबर थर्ड क्या हो सकता है, इफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अरे ये तो पॉइंट ही सेटिस्फाई कर गया, देन देन क्या कहेंगे सर यहाँ पे, देन पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है ना लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन। चलिए भाई जल्दी से इसको लिखने के साथ पॉइंट दे रहा हूं 3.4 है ना, चेक चेक पोजीशन, इसका पोजीशन चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है ना, लाइन दे रहा हूं भाई साहब 4x-3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, जल्दी से चेक करो पोजीशन, चेक करो पॉइंट का आउटसाइड है सॉरी अबव है बिलो है या ऑन द है, अबव है सर, बहुत ही बढ़िया, और कोई चलो भाई देख लेते हैं क्या है, पॉइंट को मैंने इस पे पुट करा भाई सब, देख लेना क्या पुट करूंगा, 4 × 3 − 3 × 4 प्लस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय बी की जगह पे कितना दे रखा है, बी की जगह -3, ठीक है क्या, बी की जगह क्या दे रखा है -3, अब आपको चेक कर लेना साइन के साथ लेना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल साइन के साथ लेके जाएंगे, ठीक है बोलो कितना रहा है, तब सर बिलो होगा सर, हाँ देख लो भाई 12 − 12 + 12 डिवाइड बाय कितना -3, कट गया ये आ गया -4, नेगेटिव आ रहा है बिलो होगा, देख लो ठीक है, चलो भाई बात करते आगे, तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट था, कितने पॉइंट था सर सिंगल पॉइंट, और लाइन कितना था सिंगल लाइन, अब एक पॉइंट का पोजीशन किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में आपको बताया गया है, चलिए जो इंपॉर्टेंट है इसका अगला हेडिंग देख लेते हैं, है ना पोजीशन ऑफ टू पॉइंट, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट, पॉइंट कौन कौन सा दे रखा है, पी दे रखा है यहाँ पे एक्स वन वाई वन एंड क्यू दे रखा है यहाँ पे एक्स टू वाई टू, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, टू द लाइन कौन सा भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक लाइन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट का पोजीशन, तो देखो कैसे हो सकता है, या तो दोनों ऊपर हो जाए या तो दोनों इसके नीचे हो जाए, पहला केस या तो दोनों ऊपर है ना या तो दोनों नीचे,
तीसरा केस क्या हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे। तीन केसेस बता दिया मैंने भाई, तीन केसेस ध्यान से देखो, ये पी है ये क्यू है, ये पी है सॉरी ये पी है ये क्यू है, ये पी है ये क्यू है। अब ये जरूरी नहीं है क्यू इधर भी हो सकता है पी उधर भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट है ना, तो ये तीन केसेस हो सकते हैं, तो तीनों केस का मैं सॉल्यूशन। अच्छा मान लो सर लास्ट में अगर तीनों है ना दोनों पॉइंट उसी पे सूट कर गया तो जीरो होना ही होना है, ठीक है। तो फिलहाल अगर मान लीजिए ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, दोनों का सॉल्यूशन क्या याद रखना, केस याद रखना ये है ना, चाहे तो अबव हो या चाहे तो बिलो हो, दोनों केसेस में आपको क्या याद रखना वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सर इसमें बताइए जल्दी से इसमें लिखना क्या है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान समझना भाई लोग, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर दोनों पॉइंट ऊपर होगा या दोनों पॉइंट नीचे होगा वो अपने को देखना है। मैंने अभी भी सिखाया था कि अगर मैं सिंगल पॉइंट की बात करूं तो ये तो ऊपर है, और ऊपर है तो क्या लिखते थे ग्रेटर देन जीरो, और ये भी पॉइंट कैसा है ऊपर है तो वो भी कैसा होगा ग्रेटर देन जीरो, दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो फाइनली क्या लिखना, सुनना अच्छे से, लिख रहा हूं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटो ए एक्स टू, ध्यान से देखना भाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होगा दोनों केसेस के लिए, क्योंकि दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा। अब अगर आप बोलोगे सर इसके लिए कैसे सर पॉजिटिव आया, मैंने बोला देखिए नीचे है तो नेगेटिव, ये भी नीचे है तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव, दिखा। तो केस वन याद रखना दोनों के लिए कि चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे, ठीक है। अब लेकिन सर अपोजिट में आ गया तो, अपोजिट में आ गया तो केस टू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या होगा इसका, सीधा सीधा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी इंटो है ना, दिख रहा है सभी को, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी लेस देन जीरो, ध्यान रहेगा वो लेस देन जीरो होगा क्योंकि एक ऊपर जाने की वजह से पॉजिटिव हो गया और एक नीचे जाने की वजह से यानी बिलो जाने की वजह से नेगेटिव हो गया, तो प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है कि दो पॉइंट देगा ना तो आपको देख लेना है कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो सेम साइड, यहाँ एबव और बिलो की बात नहीं करेंगे, सेम साइड, देखो ये सेम साइड है ये भी सेम साइड है, ये सर दोनों अपोजिट साइड है, एबव और बिलो का केस हम लोग वहां पे पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ पे सेम साइड बोल के निकल जाएंगे, ठीक है याद रहेगा। चलो तो इसमें देख लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट है पूछो, किसी तरह का कोई डाउट तो पूछे। सर एक ऐसा भी क्वेश्चन रहता है ना सर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लाइंस का इक्वेशन दे देता है और वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या कौन से क्वाड्रेंट से पास कर रहा है वो बताना रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दे रखा होगा तो एक्स और वाई तो देगा ना, जैसे एक्स का मल्टीपल एक्स का कोफिशिएंट दे रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, यही कहना चाह रहे हैं जैसे एक्स का कोफिशिएंट देगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में यानी ट्रिग्नोमेट्री के कोफिशिएंट के साथ में देगा वो, और एक लाइन जो दे देगा उसमें बताएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, ये कहना चाह रहा हूं। गायब हो गए, नेटवर्क एरर आ गया सर, कुछ तो बोलो, क्वेश्चन बोल के भाग गए। हाँ सर बोलिए। तो किस फॉर्म में देगा ये तो बताओ, जरा कोई भी इक्वेशन बताओ, अगर आपके पास क्वेश्चन है करंट में बताओ मैं सॉल्व करता हूँ, बताओ क्या था बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ सर बताओ, सर इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, और लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन लाइंग इन स्ट्रेट विच क्वाड्रेंट, कितना लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो बेसिकली क्या है इसमें छोटा सा बात को समझना भाई साहब, अब ये जो लाइन जो भी दे रखा है ये भी लाइन को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दे रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में जो दे रखा है इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे तभी निकल के आएगा ये, कुछ समझ में आ रहा है, यही कहना चाह रहा हूँ। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाकर के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पे लिखा साइन के जगह पे एक्स प्लस वन और ये लिख दिया प्लस ऑफ वन, ठीक है माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये चलेगा यहाँ तक में, लिख तो सकते हैं ना ऐसा। यस सर। और एक्स प्लस वन को मैंने टी बोल दिया,
टी बोल दिया, लेट सपोज करता हूँ टी मान लिया है, तो x प्लस वन को अगर आपने टी बोला तो x इक्वल टू कितना जाएगा सर, टी माइनस वन, यही होगा ना? यस सर। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना क्या बोलो, साइन टी माइनस वन, इधर कितना आ गया साइन टी प्लस वन, अरे मैं सही जा रहा हूँ, माइनस में कितना साइन स्क्वायर टी, सही है क्या? यस सर। इस तरह से पूछा गया क्या, क्या इक्वेशन इस तरह से पूछा जाएगा सर? इक्वेशन वैसा सर वैसे कुछ दिया नहीं है, बस वहां लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया था, ये इक्वेशन ऑफलाइन, और वहां लिखा हुआ था कि विच कौन से कॉइन में लाइव करता है, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था कि नहीं, नहीं, मैं वो नहीं करना चाह रहा, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बता कि ये जो दे रखा है ये सही लिखा है गलत लिखा है, ये तो बता। अरे मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया ना, सर सही है। ठीक है, अब देख मेरे को एक बात बता कि ये जो लाइन दे रखा है ये किस फॉर्म है ना, किस क्वाड्रेंट से पास करेगा, तो जरा चेक कर लेते हैं। देख, या तो लाइन ऐसा पास करेगा, 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 चार ही कंडीशन है अपने पास में, नहीं चार लाइन को लेकर के तो चार ही कंडीशन है ना भाई, इसके अलावा कहाँ हो सकता है कुछ। ठीक है, तो सर चार कंडीशन लेकर के आप क्या बताना चाह रहे हो सर, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? मैंने बोला देख ये जो लाइन दे रखा ना, मैं क्या करूंगा, डीवाई बाई डीटी खींच दूंगा, इसका डीवाई बाई डीटी खींचूंगा। सर डीवाई बाई डीटी खींचने का मतलब भावार्थ क्या है उसका? मैंने जैसे ही डीवाई बाई डीटी खींचा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि डीवाई बाई डीटी रिप्रेजेंट कर रहा स्लोप, नहीं समझ में आया? यस सर। अरे आया क्या? अगर मान ले स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे चलेगा ऐसे, नहीं आया समझ में? और अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसा चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करके एक बार चेक कर लेना इसका स्लोप पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। स्लोप पॉजिटिव आएगा तो लाइन ऐसा जाएगा, फिर ऑप्शन से चेक कर लेना भाई किधर से पास करेगा वो। सर अगर लाइन सीधा जा रहा हो, है लाइन सीधा, ऐसा ऐसा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट? हाँ सर इस तरह से, क्योंकि आंसर दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ तो सीधा ही जा रहा होगा सर। नहीं तो हो सकता है ना कि इसका स्लोप, एक काम कर लेना ना भाई, इसका स्लोप निकाल लेना, स्लोप चेक करके देख लेना क्या आ रहा है। ठीक है, ओके सर, चलो ठीक है, आगे बोलो कौन सा है। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया, इसको देखते हैं आगे, आगे क्या दे रखा है। ना आगे देखते हैं अगला हेडिंग क्या है अपना। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिया आपको, पोजीशन ऑफ पॉइंट देख करके आपको सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए कि दो पॉइंट का पोजीशन कैसे कैसे है ना मूव करवा सकता है वो। चलो ठीक है, इसके आगे जो पॉइंट है अपना, जो हेडिंग है आगे लिखते हैं, सुनना अच्छे से, है ना, आगे लिख लेते हैं कॉन्कुरेंट लाइन, है ना, कॉन्कुरेंट लाइन, कंडीशन ऑफ कॉन्कुरेंसी लिख लेते भाई, कंडीशन ऑफ कॉन्कुरेंट लाइन, कॉन्कुरेंट कॉन्कुरेंट लाइन, सुनना, कंडीशन ऑफ कॉन्कुरेंट लाइन क्या मतलब है, इसका क्या कंडीशन होगा, ये चीज को समझ रहा। अच्छा सबसे पहले बात तो सर कॉन्कुरेंट लाइन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। व्हेन है ना थ्री और मोर, व्हेन थ्री और मोर देन थ्री, मोर देन थ्री लाइन, थ्री लाइन पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, देन लाइंस आर सेड टू बी, आर सेड टू बी कॉन्कुरेंट लाइन। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं फिर से, हम लोग कंडीशन ऑफ कॉन्कुरेंट, है ना, कॉन्कुरेंट पढ़ेंगे भाई साहब, इसका मतलब क्या समझो, कॉन्कुरेंसी है ना, कॉन्कुरेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, कि तीन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करे, जैसे ये ले लो, ये देखो एक लाइन दो लाइन, ये तीन लाइन और ये चार लाइन और ये पांच लाइन, ये छह लाइन, बहुत सारे लाइन अगर किसी एक पॉइंट से पास कर दिया, मिनिमम तो तीन होनी चाहिए, मिनिमम तीन तो होनी चाहिए, तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास करे तो वो तीनों लाइन कॉन्कुरेंट लाइन कहलाएगा। ठीक है, सुनना अच्छे से, मिनिमम। तो सर अगर मैं बात कर लूँ कि सर ठीक है चलो ये मैं मान लिया कि कॉन्कुरेंट लाइन है, तो कंडीशन क्या होगा, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, देखो सर लिखता हूँ यहाँ पे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरा ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तीसरा ए थ्री एक्स बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो, है ना। इफ है ना, यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे एक गिवन लाइन, एक गिवन थ्री लाइन, है ना, गिवन थ्री लाइन, गिवन थ्री लाइन, थ्री लाइन्स है ना, गिवन थ्री लाइन्स आर पासेस थ्रू सेम पॉइंट, है ना, पासेस थ्रू, पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, देन देन द लाइन आर सेड टू बी, सेड टू बी कॉन्कुरेंट। ध्यान समझता है, जैसे ये तीन लाइन दिया और तीनों एक ही पॉइंट से पास करे तो कॉन्कुरेंट, तो कंडीशन क्या है, इसलिए याद क्या रखना है, याद याद क्या रखना, सुनो, डब्बा बनाओ, डब्बा इक्वल टू जीरो बनाओ,
ये कैसे सर डब्बा कहाँ से आया? ठीक है प्रूफ में नहीं देता, सीधा सीधा समझ लो भी। क्या लिखना है ए वन है ना, यहाँ पे लिखता हूँ ए टू, यहाँ पे ए थ्री, इधर क्या लिखूंगा सर बी वन बी टू बी थ्री, यहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री, इज इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना भाई, कभी भी तीन लाइनें कॉन्कुरेंट बोल दे चल के तो समझ जाना भाई साहब इसका डब्बा जीरो होने वाला है। ठीक है कॉपी करें इसको। जल्दी से लिखे चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आइए सर क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन्स, क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन्स एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, फिर दूसरा क्या दे रखा है एक्स प्लस डी वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तीसरा क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है अब इसने बोला है आर कॉन्कुरेंट, आर कॉन्कुरेंट कॉन्कुरेंट, ठीक है उसके बाद बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना सर ये बताओ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई वन माइनस ए प्लस वन बाई वन माइनस बी प्लस वन बाई वन माइनस सी इक्वल टू कितना। चलो ट्राई करो जल्दी से, ये कॉन्कुरेंट लाइन है भाई, कॉन्कुरेंट लाइन का मतलब डब्बा जीरो करें, इसका आंसर होता है कितना है, जल्दी बताओ ट्राई करो। बन गया क्या? चलो कोई बात नहीं, डब्बा जीरो कर रहा हूं मैं, डब्बा हाँ डब्बा जीरो कर रहा हूं। क्या मिलेगा ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, भर रहा हूं मैं ए वन वन, यहाँ पे क्या मिला वन बी वन 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 सी इज इक्वल टू जीरो, ये तो करना था। ठीक है चलो अब देखो जरा ध्यान से, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि सर वन अपॉन वन माइनस ए लिखा हुआ है, वन अपॉन वन माइनस बी लिखा हुआ है, वन अपॉन वन माइनस सी लिखा हुआ है, तो पहले तो मैं वन माइनस ए बनाऊंगा, वन माइनस बी वन माइनस सी बनाऊंगा, कैसे करूं कि सर वन माइनस ए बन जाए? देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, सुनना जैसे कि चीजों को, देखो यहाँ पे अप्लाई किया आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू, ठीक है क्या, तो क्या मिलेगा सुनना, सिमिलरली एंड पैरेलली आगे लिख रहा हूँ आर टू चेंजेस टू आर टू है ना आर टू माइनस आर थ्री, जो भी मिलेगा हम देख लेते हैं पहले क्या था। ठीक है इक्वल टू जीरो चल रहा है, यहाँ पे क्या सुनना ए माइनस वन, यहाँ पे क्या मिला वन माइनस बी, यहाँ पे क्या मिला जीरो, यहाँ बोलो सर वन माइनस वन जीरो बी माइनस वन, यहाँ पे क्या मिला वन माइनस सी, अब फाइनली लिख देना वन वन सी। ठीक है क्या, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस कॉलम से फर्स्ट कॉलम से वन माइनस ए निकालूंगा, वन माइनस ए ना कि ए माइनस वन, तो माइनस छूटेगा वहां पे, सुनना लिख रहा हूँ यहाँ पे एक एक चीज को समझना भाई साहब। ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये कॉमन ले लिया ए माइनस वन, ठीक है फिर कितना आ रहा है a माइनस वन है ना, इसके लिखने के बाद देखो अच्छे से, यहाँ से a माइनस वन वन माइनस बी और यहाँ से कितना वन माइनस ए, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा वन माइनस ए, तो वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी, ये आ गया आपका कॉलम वन से, ये आपका कॉलम टू से, ये कॉलम थ्री से, जो जो निकाला उसको बाहर खींचो, तो यहाँ माइनस वन मिलेगा भाई साहब, माइनस छोड़ दिया यहाँ पे, ये तो जीरो ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा जीरो वन बाई वन माइनस ए। ठीक है सर दिखना चालू हो गया, दिख रहा है ये चीज, चलो यहां से बोलो वन माइनस बी कॉमन निकाला कॉलम टू से, तो यहाँ बचेगा वन
यहाँ पे क्या बचेगा सर माइनस वन, क्योंकि सर ये बी माइनस वन है, और यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई वन माइनस बी, ये भी चलेगा। फाइनली क्या मिला यहाँ से लास्ट में देख लेता हूँ, ये आ गया जीरो, ये कितना आ गया वन माइनस सी, और यहाँ पे सी बाई वन माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता, कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट, है ना, ए नॉट इक्वल टू वन, बी नॉट इक्वल टू वन, सी नॉट इक्वल टू वन, इसको जीरो नहीं कर सकते, फाइनली आपको यही जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग जल्दी से, इसको क्या करते हैं किसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना, सीधा सीधा कॉलम से इसको ओपन कर लो, रो से ओपन कर लेता हूँ। तो ये माइनस वन ये लिखा, ये नहीं और ये नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो माइनस सी डिवाइड बाई वन माइनस सी, ठीक है, बीच में माइनस आ गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वन माइनस सी डिवाइड बाई क्या वन माइनस बी, ठीक है। लास्ट में कितना देगा, माइनस का वन, और ये नहीं और ये नहीं, ये जीरो दिया और ये माइनस, माइनस वन माइनस सी डिवाइड बाई कितना वन माइनस ए, और बाकी बात सारा का सारा जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। डिटरमिनेंट का रो कॉलम एलिमिनेशन में प्रॉब्लम होता है, क्या कह रहे हो फिर से कहो। सर डिटरमिनेंट का रो कॉलम एलिमिनेशन जो होता है ना, जैसे आप किए हैं अभी, उसमें सर प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ पाते स्टार्ट कहां से। आवाज नहीं आ रही, फिर से थोड़ा लाउडली बोलो। सर डिटरमिनेंट का जो होता है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसमें सर दिक्कत होता है। जैसे किस तरह का दिक्कत? कई बार मन ऐसा करता होगा, रुको रुको, आपका कई बार मन ऐसा करता होगा कि सर R1 लिख रहा हूँ, R2 में से R1 घटा दूंगा, ऐसा दिक्कत? हाँ सर। नहीं हाँ, ऐसा नहीं सर, समझ नहीं पाता है कि अप्लाई क्या करें जो वो आ जाए फॉर्म। देखो एक्चुअली क्या है ना, सुनो मेरी बात सुनो, इसमें अप्लाई कैसे करें ना, अचानक से हम लोग के सामने भी क्वेश्चन आ जाता है, एट एन इंस्टेंट हम लोग को भी सोचना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसमें ब्रेन गेम है, थोड़ा सा रुक करके पेशेंटली इसमें खेलना है। कैसे खेलना है कि अगर ऑप्शन दे रखा है या फिर आंसर निकालना किसी का, तो हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग किसी तरह से पैटर्न को चेक करते हैं, किसी तरह से पैटर्न को समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न अपने को याद रखना होता है कि इस क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा होता है, अपने को ऐसा ही करना है। ठीक है, अब सुनो इसमें क्या होता है ना, कभी भी ये गलती मत करना कि सर R1 लिखा है तो R2 माइनस R1 करें, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। जैसे क्या बोलूं, R1 लिखा है और बच्चे ने लिखा R2 माइनस R1, तो ये गलत है, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपने पहले R1 में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा डिटरमिनेंट का आंसर माइनस हो जाएगा, यानी पूरा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो भी आंसर है उसके आगे माइनस आ जाएगा, तो ये तो कभी नहीं करना। अब कई बच्चा ऐसे भी करता है कि सर R1 changes to 2 times of R1, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या मतलब इसका? अगर जैसे ही आपने इसको लिखा तो फिर आपने डिटरमिनेंट में दो से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसा करो ना कि सर आप जो भी चीज को चेंज कर रहे हो उसको छेड़छाड़ मत करना भाई साहब, उसका कोएफिशिएंट वन ही रहने देना। अब उसके बाद आप माइनस से 2 टाइम्स R2 में मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट का आंसर बदलता नहीं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो क्या रिक्वायरमेंट है वहां पे, कैसा नीड है वहां पे, उस तरह से हम लोग चीजों को पुटअप करते हैं वहां पे। ऐसा नहीं कि सर कुछ भी वहां पे लिख दे रहा नहीं। अब दूसरी बात ये रहा कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता, लेकिन मैं सॉल्व करने जाता मैं फंस जाता, क्योंकि मेरे को जो आंसर चाहिए था 1 / 1 - a + 1 / 1 - b + 1 / 1 - c, है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं, ये आ गया 1 / 1 - a + 1 - 1 - b + 1 / 1 - c, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे का लॉजिक दे रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इस तरह का एक क्वेश्चन है जो इसी के पैटर्न में फॉलो होता है। कभी भी 1 / 1 - a, 1 - 1 / b आ जाए ना, कभी कभी ऐसे भी आएगा p / 1 - p, q / p, है ना, 1 - q, तो इस तरह से, तो समझ जाना कि अपने को गेम ऐसे ही करना है। क्या करना है, पहले इस तरह का नीचे वाला बना लो, बनाने के बाद उसको कॉमन खींच लो हर कॉलम से, तो अपने आप यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। पकड़ मारी बात, स्टेप याद रखना इस क्वेश्चन का। चलो और बताओ, कोई डाउट इस तरह का? और नहीं सर। चलो ठीक है, चलो भाई। तो ये हमने देख लिया इस तरह का कॉन्क्रेंट वाला, देख लिया कंडीशन। फाइनली आते हैं इस पे, कौन सा एक इंपॉर्टेंट है, फैमिली ऑफ लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन क्या है, फैमिली ऑफ लाइन समझना अच्छे से। जैसे दो लाइन है ना, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, रिपीट कर रहा हूँ, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जैसे ये ax + by + c = 0, है ना, और दूसरा लाइन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये a1 है,
a1 b1 c1 और ये दे रहा हूँ a2 x b2 y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। दोनों लाइन डिफरेंट है भाई, दोनों का स्लोप अलग अलग है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों का अलग अलग है। क्या देखा कि फैमिली ऑफ लाइन क्या कहता है कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, जो कि सही बात है कि बहुत सारे लाइन कितनी लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट बहुत सारे है ना। तो ये बहुत सारे लाइन जो पास कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो लाइन पास कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। यानी क्या, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास करेगा वो फैमिली ऑफ लाइन है। तो डायरेक्टली लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है, क्या आएगा सुनना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन क्या लिखा सुनना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को लिख के जोड़ दो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ठीक है, और प्लस में लैम्डा टाइम्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई है ना, बी टू वाई प्लस में सी टू इक्वल टू जीरो। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। याद रखना दोनों इक्वेशन को जोड़ा है, बीच में लैम्डा लगा दिया, ध्यान रखना अच्छे से। अब इसमें जो लिखने के बाद जो खास बात आता है, खास बात क्या सर, खास बात ये है कि ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से करोड़ों लाइन पास कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखा है ये कौन है, ये करोड़ों लाइन का इक्वेशन है, करोड़ों एक दो का नहीं है, करोड़ों लाइन का इक्वेशन है, जिसमें ये भी आता है ये भी आता है, ध्यान रखना अच्छे से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी लाइन पास कर रहा है यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन पास कर रहे हैं भाई, वही इनफाइनाइट लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्या ये इनफाइनाइट लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल पास कर रहा है, इसका नाम दिया मैंने क्यू, ठीक है, ये क्यू पॉइंट से पास करता है, जिसको निकालने के लिए मैंने नाम दिया एक्स वन वाई वन। और ये कैसे निकलेगा सुनना, बाय सॉल्विंग है ना, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। यानी दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका ये एक्स वन और वाई वन आ जाएगा। यानी क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब, कि पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फाइंड द फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो पहला इक्वेशन जो बनेगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए जो फैमिली ऑफ लाइन इक्वेशन लिखा है आपने वो किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये फिक्स पॉइंट क्यू है सर, क्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, कौन कौन सा सर, ये वाला लाइन को और ये वाला लाइन को। सिंपल सा लॉजिक बता दिया है कि फिक्स पॉइंट से जो पास करता है वो पॉइंट ये रहा, ऐसे सॉल्व करने से फैमिली ऑफ इक्वेशन कौन है, ये हिट करना चाहिए दिमाग में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ये, और ये जो पॉइंट आ रहा है ये फैमिली ऑफ इक्वेशन जो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर बोल दे फिक्स पॉइंट कैसे निकाले, दोनों को सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर कॉन्करेंट लाइन में भी तो एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, तीन से ज्यादा पास कर सकता है, बिल्कुल पास कर सकता है, तो मैंने बोला तो वो भी फैमिली ऑफ लाइन है, एक तरह से फैमिली ऑफ लाइन है वो, लेकिन कॉन्करेंट लाइन का कंडीशन होता है कि तीन तो होना चाहिए, तीन लाइन के लिए वो बना हुआ है कि एक पॉइंट से अगर तीन लाइन पास करे, सिर्फ केवल और केवल तीन पॉइंट, तो वो कॉन्करेंट लाइन है, कंडीशन है वो। लेकिन क्या है कि दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइन पास कर जाए, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये दोनों लाइन है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और केवल एक लाइन पास करा दूं, तो वो कॉन्करेंट लाइन हो गया, और साथ में उसको फैमिली ऑफ लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, चलो। लेकिन क्या है, कॉन्करेंसी वाला कंडीशन याद रखना, वो तीन ही लाइन देगा, कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, कॉन्करेंसी का मतलब हो गया तीन लाइन ही देगा, फैमिली ऑफ लाइन का मतलब दो लाइन ही देगा और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, कैसे, उन दोनों को सॉल्व करके, और इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दोनों को जोड़ के बीच में लैम्डा लगा देंगे, ठीक है, चलो। अब इसमें दो क्वेश्चन करते हैं, बात खत्म करते हैं इस चैप्टर। चलो देखते हैं क्वेश्चन करो, मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन समझना, द फैमिली ऑफ लाइन x इंटू में a प्लस टू बी प्लस ऑफ y इंटू में a प्लस थ्री बी इजिकल टू a प्लस बी है ना, ऑलवेज पासिस थ्रू, है ना, ये बोल रहा ऑलवेज पासिस थ्रू विच फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट, सुनना अच्छे से, कौन सा ये, अच्छा पहली बात तो सर ये फैमिली ऑफ लाइन कैसे दिख रहा पता नहीं चल रहा है, आप कैसे बोल दिए फैमिली ऑफ लाइन, मैं दिखाता हूँ, बोला ये फैमिली ऑफ लाइन दिया और बोला कि ये जो फैमिली ऑफ लाइन है किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, तो पहले क्वेश्चन में बताता हूँ, पहले इसको ना दोनों में सेपरेट कर दो, दोनों का सेपरेट करना मतलब जो ए का टर्म है ए के रखो, एक्स का टर्म और वाई का टर्म दोनों को अलग करो, मैंने लिखना चालू करा, सुनना अच्छे से,
ये ए एक्स दिखा, यहाँ पे ए वाई दिखा, ए कॉमन ले लिया मैंने x प्लस वाई, और जब ये इधर आया था तो ये माइनस वन लेके आया। यहाँ तक देखो सही है गलत है, सोच के बताओ सही है। चलो अगला मैं लिख रहा हूँ b की जगह पे, ये देखो यहाँ पे x टू b है, तो x यहाँ पे b कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3b, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 3y, ठीक है। और b इधर से जब आया होगा तो माइनस वन लेके आया होगा, इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने a को डिवाइड करा, डिवाइड करके क्या मिला, x प्लस वाई माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ बी बाई ए, इधर आ गया 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये b बाई जो a है ना, ये लैम्डा की तरह ट्रीट कर रहा है, और देखो जरा ध्यान से क्या आपको मिल गया फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है। जैसे ये फैमिली ऑफ लाइन मिला तो आपको पता चल गया इन दोनों को जिस दिन मैं सॉल्व कर दूंगा, किसको किसको, x प्लस वाई है ना माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे कितना 3x प्लस सॉरी 3x कह रहा हूँ 2x और प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। जिस दिन मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से अपने को x और y मिल जाएगा, और x और y जैसे ही मिला मैं बोल दूंगा इसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। क्या समझ में आया बात? Yes, सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना इसी तरह से कि इस तरह से गंदा सा इक्वेशन देगा, बोलेगा फैमिली ऑफ लाइन है, बताओ किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद ये जो बचा ना इसको हटा लेना, उसको लैम्डा कर लेना, फिर बाद में इनको सॉल्व करने के बाद जो फिक्स पॉइंट आएगा वही आपका फिक्स पॉइंट कहलाएगा, जो इस फैमिली ऑफ लाइन से पास करेगा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, इस फैमिली ऑफ लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, या ये फैमिली ऑफ लाइन इससे पास करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूँ इसके ऊपर, चलो भाई समझना चीजों को। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन है वो दिखाता हूं, देखो जरा। क्वेश्चन दिया इफ 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी ये 6c है, 6 इंटू में c है इज इक्वल टू 0। अगला क्या बोल रहा है वो, द फैमिली ऑफ लाइन, the family of lines ax plus by plus c is equal to 0 दिया, ठीक है, passes through which fixed point, ये बोला भाई साहब, तो कौन से पॉइंट से पास कर रहा आपको बताना है। अब देखो जरा ध्यान दो, ये कंडीशन दिया, ये कंडीशन, इसके दो दो तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ सुनो, मैं सीधे ना शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको समझना, जैसे करना कुछ भी नहीं है, ये लाइन दे रखा ना इसको एज इट इज पड़े रहने दो, और सिर्फ देखो कि सी को अकेला कर देना है, किसको अकेला करना है, इसमें सी को अकेला करो, सी को अकेला करना चालू करो, सुनना अच्छे से, मैं 6 से डिवाइड मार रहा हूं, तो ये आ गया a by 2 plus of कितना b by 3 is equal to plus c is equal to 0, दिखा किसी को, मैंने 6 से डिवाइड मार दिया, डिवाइड बाय 6 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, तो मैंने इससे 6 से डिवाइड मारा, सी आ गया। अब इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर, इससे करो ax plus of by plus of c equal to 0। अब आपको ढूंढना है x कितना, देख के बताओ जल्दी से, x कितना है यहाँ पे 1/2 है सर, और y कितना है सर 1/3, तो ये फिक्स पॉइंट आ गया भाई सर, ये फिक्स पॉइंट आ गया, फिक्स पॉइंट कौन 1/2, 1/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, जेईई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम नहीं है बट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई तो ये समझ लेना अच्छे से, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। तो स्ट्रेट लाइन का लगभग कह सकते हो कि 95 से ऊपर खत्म हो गया, लगभग 1-2% अगर बचा होगा तो एंगल बाइसेक्टर का हम लोग कल देख लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि डीपीपी जो भी है उसको कल खत्म कर लेना, कल हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग सर्कल भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखता हूँ, बाकी अगली क्लास में कोई डाउट है पूछो।